बीजेपी के सांसद और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप रक्षा सौदों में महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने को है। वरुण गांधी पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर रक्षा सौदों के दलाल अभिषेक वर्मा और शस्त्र निर्माताओं को रक्षा सौदों की खुफिया जानकारी दे दी। आरोप है कि वेश्याओं के साथ खींची गई उनकी तस्वीर से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेटर डेटेड 16 सितंबर 2016 इन विच ही डिटेल्स इन ग्रेट डिटेल एंड सेंड्स द एंटायर सीडी कंटेनिंग फोटोग्राफ्स एटसेट्रा एज टू हाउ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंस वेरी वेरी सीनियर डिफेंस पर्सनल हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड थ्रू दिस कॉल गर्ल्स एंड एस्कॉर्ट सर्विस इंक्लूडिंग दिस बीजेपी एमपी who was a member of the defense consultative committee. हालांकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के पुत्र वरुण ने इन आरोपों से इनकार किया। वरुण ने कहा कि उन्होंने कोई संवेदनशील जानकारी लीक नहीं की। अगर आरोप में 1% भी सच्चाई होगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हथियार निर्माताओं को रक्षा मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का आरोप वरुण गांधी पर एक खत के जरिए लगाया गया है। ये शिकायती पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पीएमओ को मिला है। दरअसल वरुण गांधी रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य हैं, लिहाजा रक्षा सौदों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के लिए जाल फैलाया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बताया कि वो पिछले 15 साल से भी ज्यादा वक्त से अभिषेक वर्मा से नहीं मिले हैं। संसदीय रक्षा समिति की जिन बैठकों का जिक्र सी एडमंड्स एलन ने किया उनमें उन्होंने शिरकत ही नहीं की थी। उन्हें इस तरह फुसलाया जाता हुआ दिखाने वाली तस्वीरें असली नहीं हैं और ये आरोप उन पर इसलिए लगाए जा रहे हो सकते हैं ताकि उन्हें आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई भूमिका निभाने से रोका जा सके। अभिषेक वर्मा पर पहले भी कई आरोप लगाए गए हैं जिसमें नौसेना से जुड़े संवेदनशील गोपनीय दस्तावेज को बेचने तक के आरोप हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिषेक कांग्रेस के बड़े नेता के पुत्र हैं जो विदेशों में ही रहते हैं और मंगोलिया की एक लड़की से दूसरी शादी की है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।